हेलो दोस्तों, बैंगलोर से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आई है। एक वायरल वीडियो देखने को मिला है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक महिला पर हाथ उठाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका राइड कैंसिल कर दिया था। यह हादसा तब हुआ जब दो दोस्तों ने एक ही टाइम पर दो रिक्शा बुक करी, लेकिन जब एक ऑटो पहुंच गया दूसरी लड़की ने अपना राइड कैंसिल कर दिया। इस छोटी सी बात पर ऑटो ड्राइवर ने गुस्सा दिखाया, गुस्से में उनको गाली भी दी, धमकी भी दी और एक थप्पड़ भी लगा दिया। जब लड़कियों ने समझाने की कोशिश की कि एक और राइड पहुंच गया था, तब ड्राइवर ने पूछा, तेरा बाप देता है क्या? तुमने मेरी राइड क्यों कैंसिल करी? मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूं। लड़की ने कहा कि ड्राइवर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था और ऐसी सिचुएशन में ऑटो ड्राइवर खुद भी राइड कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ड्राइवर का गुस्सा और बढ़ता गया और जब लड़की ने पुलिस की धमकी दी तो ड्राइवर ने कहा, चलो पुलिस के। ड्राइवर ने लड़की का फोन छीन लिया। जब वो पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रही थी, इस दौरान लड़की को लगता है कि ड्राइवर ने उसे मारा भी। उसने कहा, मैंने कभी इतना अनसेफ फील नहीं किया बैंगलोर में। लड़की ने ओला को रिपोर्ट की, लेकिन ओला की तरफ से सिर्फ एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आया। सपोर्ट टीम से कनेक्टेड होने की कोशिश की, कोई मदद नहीं मिली। मैंने वीडियो और राइड की रिसिप्ट प्रूफ के रूप में शेयर की है। अब ओला ने बोला है कि वो इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमारे शहर में महिलाएं अब भी अनसेफ है? क्या हमको ऐसे इंसिडेंट के बाद भी हेल्प मिलती है? ये सवाल हर एक को सोचने पर मजबूर कर देता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें और ओला वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ये मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।